प्रयागराज के मेजा की ओर ले चलते, जहां विकास खंड उर्वा के अंतर्गत ग्राम सिक्टिके में पूर्व सचिव समाजवादी पार्टी के संदीप पटेल व नीरज सिंह यादव प्रबंधक एसडी पब्लिक स्कूल ने पत्रकार राम कैलाश के घर पर कुशल क्षेम एवं सहानुभूति जताने आए। चार दिन पहले प्रलयकारी चक्रवाती तूफान एवं ओलावृष्टि मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान से छत विहीन हो जाने के कारण खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज मेजा से संवाददाता गिरीश चंद शर्मा की खास रिपोर्ट। आज ग्राम सभा सिटकी का दौरा किए हैं ओलावृष्टि के चलते। मौजूदा सरकार के 3 वर्ष बीत चुके हैं और बड़े बड़े वादे किए मौजूदा सरकार ने किसानों के हित फसल के विषय में और बेरोजगारों के रोजगार के विषय में। उनके वादे सब अभी निराधार रहे, झूठे रहे। आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा ने जो वादा किया था वो किसी भी तरह से अपने वादे पर काम नहीं किया। चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो। नौजवानों तो के सामने बेरोजगारी का वो आलम है कि नौजवान बड़े पैमाने पर पलायन कर रहा है और किसानों की दुर्दशा आप सामने देख रहे हो। उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे, किसानों के यहाँ दोगुनी का सवाल था, किसानों को खाद में सब्सिडी का सवाल था, लेकिन जब किसान खाद के लिए जाता है तो उसको लाइन भी लगना पड़ता है और खाद के अभाव में उसके ऊपर लाठियाँ भी चलती हैं। रहा सवाल आय दोगुनी करने का, आपने पिछले लगातार एक साल से आप इस जमुना पार में देख रहे हो। इसके पहले भी सरकार ने कभी भी किसान की तरफ नहीं देखा। अभी जब धान की फसल थी आपने देखा लगातार 1.5 महीने प्राकृतिक आपदा को किसान झेला है। आज उसके बाद जब किसान के मन में एक संतोष पैदा हुआ कि हो सकता है गेहूं के माध्यम से कुछ भरपाई हो सके, लेकिन ओलावृष्टि के हो जाने के बाद आज जो सरकार जिस तरह से ढोंग कर रही है, जिस तरह से नाटक कर रही है, एक तरफ तो सरकार मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि हम सर्वे करा रहे हैं, दूसरी तरफ भी 20% के नाम पर किसान को केवल बेवकूफ़ बनाने का या उनको धोखा देने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके पास सरकारी आंकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा है, इससे सब किसान दुखी है। किसी का घर गिर गया, किसी का जानवर मर गया, इतना तक कि जाने चली गई। जहां तक खेत में फसल का सवाल है, आप किसी तरफ नज़र उठाकर देख लो, यहां पूछने की बात नहीं है, किसी की तरफ आप नज़र उठाकर देख लो, 70% नुकसान है। ये 20% 30% की बात करते हैं, अगर इनको अपनी नज़र उठाकर देखो तो 100% आज किसानों का नुकसान है। मैं आज सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक आपदा घोषित करें। इतना ही नहीं, आपके पास सरकारी आंकड़ा है, आपको पता है कि आपका सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 बीघे में कितना पैदावार होती है। आपका समर्थन मूल्य अनाउंस है, आप समर्थन मूल्य को उस पैदावार के अनुसार हर किसान के खाते में डालने का काम करें, तभी किसानों के आंख जो है का आंसू पोछा जा सकता है।